नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे। असम में जो गर्जे हैं, कहा है पहले सेमीफाइनल जीता, अब हम फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल उन्होंने किसको करार दिया, क्या कुछ रहा, मैं आपको डिटेल में पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि असम वो राज्य जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी, क्योंकि वो चाहती है कि वापस से सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पिछला प्रदर्शन दोहराया जाए। इधर दूसरी बात यह कि अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, असम भी जा रहे हैं, वो लगातार इन तमाम राज्यों में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए पूरी जी जान लगातार झोंके हुए हैं। और अमित शाह जब कोकराझार पहुंचे, असम के कोकराझार पहुंचे, तो उन्होंने पहले तो वहां की भीड़ देखकर, जो अपार जन समर्थन उनकी रैली में आया था, उसको देखकर वो बहुत गदगद हुए और कहा ये जन समर्थन जो बताता है, ये यही बताता है कि यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेमीफाइनल जीता है, अब हम फाइनल जीतेंगे। सेमीफाइनल उन्होंने किसे करार दिया, दरअसल असम में हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और एक तरीके से इतिहास रचा था। इसी को सेमीफाइनल करार दिया अमित शाह ने, और फिर कहा कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो होंगे फाइनल, और फाइनल मैच भी हम सेमीफाइनल की तरह पर ही जीत दर्ज करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अपनी तरफ से तो हुंकार भरी जा रही है, ललकार अमित शाह ने कर दी है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या इसका कोई पलटवार होता है, ललकार पर क्या पलटवार होता है, ये हम देखेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।